राजस्थान में तेज बारिश का कहर है और इस वक्त मैं मौजूद हूं राजस्थान के हिंडौन शहर में। मेरे पीछे आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये सड़क नहीं, आप देख सकते हैं कि ये दरिया बन चुका है। ये हिंडौन का कटरा मार्केट है और आप देख सकते हैं किस तरीके से SDRF की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू कर रही हैं, जो बीमार लोग हैं उन्हें यहाँ से निकाल रही हैं, दवा पानी यहाँ से पहुँचाया जा रहा है। लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पानी के हालात क्या हैं, यानी कि यहाँ कमर तक पानी है। मेरे साथ SDRF के जो इंचार्ज हैं, सर ये जो आपका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ये कितने दिन हो गए इसको? ये सर परसों से चल रहा है, परसों दिन में ही आ गए थे हम यहाँ रेस्क्यू के लिए और परसों से हालात ऐसे बने हुए हैं, बरसात के पानी बहुत भरा हुआ है यहाँ। जो SDRF की जो टीमें हैं वो कितनी तैनात हैं और NDRF की टीमें यहाँ कितनी हैं अभी? सब हिंडौन सिटी में एक टीम SDRF की है और एक टीम NDRF की है, बाकी चार टीम करौली जिले में तैनात की गई है। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं, आपका क्या कहना है, यहाँ पर कब से पानी भरा हुआ है? यहाँ पे 3 दिन से बिल्कुल लगातार पानी भरा हुआ है और सभी व्यापारियों के कम से कम 20-25 करोड़ रुपए का नुकसान है और सभी लोग बहुत परेशान है। का नाम है बीमारियों से ना कुछ खाने पीने के लिए मिल रहा है, ना दूध चाय मिल रही है, ना पीने के लिए पानी मिल रहा है, सभी लोग बहुत परेशान है। का नाम है ऊपर प्रशासन हमारी कोई तरह की सुनवाई नहीं कर रहा है। का नाम है ऐसा निकम्मा सरकार हमने कभी अपनी जीवन में लाइफ में नहीं देखा। लेकिन कलेक्टर तो कह रहे हैं सारी व्यवस्थाएं पूरी है यहाँ पर, नहीं है साहब यहाँ पर कोई तरह की व्यवस्था नहीं है हमारे लिए। का नाम है ये नाले को इसको खोलना चाहिए, जो उसको कलेक्टर साहब का नाम नाले को बंद करवा गए दोबारा से, जहाँ से पानी निकलना चाहिए था। का नाम है ये जो फुलवाड़ा बांध की स्थिति यहाँ बताई जा रही है, प्रशासन की लापरवाही से फुलवाड़ा बांध है उसकी दीवार ढह गई और उसका सारा पानी हिंडौन जिले में आ गया, इसके बारे में पूछते हैं। 2 महीने पहले इनको अल्टीमेटम दे दिया सभी नगर पालिका वालों को, पर इन्होंने कोई तरह की सुनवाई नहीं की है पानी निकालने के लिए। ऊपर तक हमने सभी तरह की आश्वासन वगैरह दे दिए पर कोई तरह की सुनवाई नहीं की उन्होंने हमारी। का नाम है आप देख सकते हैं इनका ये कहना है कि लगातार ये शिकायत दे रहे थे प्रशासन को और उसके साथ साथ में प्रशासन को लगातार बता रहे थे कि यहाँ कोई भी आपदा आ सकती है, लेकिन जो फुलवाड़ा बांध की जो दीवार टूटी है उसके बाद में ये आप देख सकते हैं हालात यहाँ के। हिंडौन शहर है ये और ये शहर का बीच मार्केट है, लोग कितने परेशान हो रहे हैं, किस तरीके से परेशान हो रहे हैं आप बताइए। यहाँ पर आप भी हिंडौन शहर का अगर जल सेन का अगर बांध टूट सर, हिंडौन की व्यवस्था प्रशासन से तो फेल हो गई है पहली बात। दूसरा ये विधायक जी ने पहले ही सदन में चेता दिया था कि हिंडौन की स्थिति बहुत ही खराब है, लेकिन कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई या संज्ञान नहीं लिया है। आज ये पानी इधर से कल बंद टूटा था, उस पानी को भी कहीं दूसरी जगह मोड़ने का प्रोग्राम नहीं, वो सीधा शहर में भेजा पानी, शहर में आ रहा है पानी सीधा पूरा शहर, आज भी पूरा पानी शहर में आ रहा है, इसी का पानी बढ़ रहा है। बांध टूट गया ना तो पूरा हिंडौन डूब जाएगा, ये परफेक्ट बात है हमारी। का नाम है आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों का कहना है, लोग कितने परेशान हो रहे हैं, लोग अपना दुख जाहिर कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं प्रशासन को लाख बार इन्होंने मिन्नतें की, कई बार चिट्ठियां लिखी इन्होंने और उसके बावजूद भी यहाँ पर जो बांध की स्थिति है, बांध की दीवार टूटी है और दीवार टूटने के बाद ये पानी यहाँ पर पहुँचा है। राजस्थान के जो ये पूर्वी जिले हैं उनमें हिंडौन भी आता है और करौली भी आते हैं, दोनों ज़िले जो है बाढ़ की चपेट में हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों तक एक जो है बड़ा अलर्ट दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से और साफ तौर पर बताया गया है कि तेज़ बारिश हो सकती है, लेकिन जो यहाँ पर प्रशासन के इंतजाम हैं वो जो है पूरी तरीके से यहाँ फेल नज़र आ रहे हैं, जनता भी ये कह रही है। और अगर उस बांध की स्थिति को नहीं सुधारा गया तो जनता का ये कहना है कि पूरी तरीके से ये जो हिंडौन शहर है ये डूब सकता है। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वज आर्या, TV9।